हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ स्पैगेटी बनाते हुए, मैक्रोनीस स्पैगेटी बनाने। और आप देख सकते हैं मैंने कितना गंदा डाला है, क्योंकि मैं ऐसे खाना बना ही नहीं सकती। ये चिकन बॉइल्ड है, जो बॉइल्ड चिकन का है, तो मैं ना यूज़ कर रही हूँ ये वाली। हम बेक पार्लर्स की ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे और कोई कंपनी की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं एक्स्ट्रा मसाला बिल्कुल नहीं बनाती, बीच में पैकेट वाला मसाला ही डाल देती हूँ। तो मैंने ये बनाऊंगी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। ओके बाय। और ये हम फिश का मसाला लगा रहे थे आज, क्योंकि फिश का ही मौसम है ना। मसाला तो कहाँ है? और लहसुन अदरक का पेस्ट तो लाजमी ऐसी चीज़ों में डालते, ताकि ना स्मेल ना आए। ये हमारी सब्जियां सॉटे हो रही हैं, और ये हमारे स्पैगेटी बॉईल हो रही है। लोगों की लाइट नहीं आ रही, और वही मौसम दिखाती हूँ कितनी स्मोग हुई हुई है। अभी ऊपर छत पे चलते हुए दिखाती हूँ। जब धूप में बैठने मेरे पेपर है ना, तो पेपर की तैयारियां करती फिर रही थी मैं, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा क्या नहीं किया तैयारी मैंने। तो हम इधर ही बैठे हुए थे, धूप वगैरह सेक रहे थे। तो ना अब मैं मिलती हूँ, नीचे जाके नमाज वगैरह पढ़ लेना। और ना नीचे जाके मिलती हूँ ना, मैंने कल जो बनाई थी ना उसका मैं आपको दिखाती हूँ, उसका मेन व्यू। चलो चलो नीचे। अपने क्लास में आज पेपर था ना सलामियत का, तो अच्छा हुआ पेपर, तो अब फारिग हो गया ना, तो बैठे हुए फारिग। मैं आ गई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से घर, और मैंने अब मैं लगाने लगी हूँ ये। इसका मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी कि मेरे बालों में इफेक्ट किया या नहीं किया, क्योंकि अब यूट्यूबर सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो यूट्यूबर पर ही होते हैं। तो मैं ना ये आपको यूज़ करके बताऊंगी, क्योंकि वैसे इसका हेयर मास्क का रिव्यू था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब हेयर ऑयल का रिव्यू देखते हैं ये कैसा होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। पीछे से हम कोई भी इसकी प्रिकॉशंस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये पूरी पूरी चाइनीज़ में लिखा हुआ। एंड आई जस्ट लव इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। मुझे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ट्राई करना बहुत पसंद है, ख़रीदना नहीं, ट्राई करना बहुत पसंद है। तो मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी पूरा। ओके, मैंने ये बालों में, और हम चलते हैं बाहर। थी ये भी सो के उठी। अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने, और ना मैं अपने बच्चों को ना सपारा पढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे नहीं, मतलब के अपने रिश्तेदारों के बच्चे को सपारा पढ़ाती हूँ। तो वो लिख के आए थे ये, चॉकलेट्स एंड फ्लो चॉकलेट्स, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। यही है मेरी शर्ट सिल के, इसकी मैंने शॉर्ट डाली हुई है, तो ये भी देख लेना। मतलब जे कार्ड की शर्ट है ये, जो आजकल चली थी ना मेरा, क्योंकि ना हमारा एक मिलाद आ रहा है, तो मैंने कहा उधर पहन लूँगी। साथ गला इस तरह का है, तब इतने कोई है नहीं, फैंसी नहीं है, और बेल बॉटम बाजू में। मतलब ये कलर बड़ा प्यारा है, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू प्रोनाउंस, बट इट्स काइंड ऑफ मेहंदी मेहंदी कलर नहीं होता, मतलब थोड़ा सा डार्क ग्रीन, डार्क डार्क ग्रीन वैसा कलर है ये। ओह, मेरे पाँव की जराबे नजर आ रही। और मैंने कहा ना कल, आज मेरा इस्लामियात का पेपर था, और अब कल मेरा रिसर्च का पेपर है, कोई छुट्टी नहीं है, मिड्स हैं मतलब के, तो कोई छुट्टी नहीं है। मेरे फेस पे पता नहीं किस किस्म की के फॉरहेड पे और चीक्स पे पिंपल्स से हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फेस पे। तो बस हम मिलते हैं कल, और अपना ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स मीन अलॉट टू मी। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड बाय बाय।